तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक राशिफल की। तो इसमें हम चंद्रमा पर आधारित इस वीडियो को कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखना होगा। अगर आपकी चंद्र राशि आपको पता नहीं है तो आप अपना जो नाम की राशि बनती है उससे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे 22 जनवरी से। 22 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में गोचर करते हुए ये आपके राशि स्थान से पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में इनका गोचर आपके लिए धन संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। इस समय में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, साथ ही साथ संतान का अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ धन से जुड़े हुए जो भी आपके मामले हैं उनमें आपको अच्छी सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। किसी के साथ लेन देन करना है, किसी से पैसा उधार लेना है या और कोई आपका मामला है धन से जुड़ा हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहने वाला है। साथ ही कोई बहुत लंबे समय से आपकी ऐसी इच्छा चल रही थी धन के मामले में जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इस समय में पूरी हो सकती है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग का काम आपका काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। साथ ही साथ इस समय में कुछ आप क्रिएटिव करेंगे, कुछ ऐसा सृजन शक्ति का प्रयोग करके कुछ आप बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, या आप में कोई ऐसा टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को कहीं स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपके चंद्रमा जो कि यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव को देखने से आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं और कुछ लोगों से आपके नए संपर्क बन सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो आपके लिए शुरुआती दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 22 जनवरी का दिन ये आपके लिए विशेष रहने वाला है। साथ ही आपकी एजुकेशन के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। कुछ बदलाव करना है आपको, कोई नया डिसीजन लेना है एजुकेशन में, तो आपके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आप थोड़े से भावनात्मक नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे, तो अपने आप को भावनात्मक नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करें। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के अगले गोचर की। इनका अगला गोचर 23 और 24 जनवरी को आपके लिए छठे भाव में होगा, शुक्र की राशि वृषभ में। तो यहाँ पर अब आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, या पहले आपको कोई बीमारी थी वो वापस आपको लग सकती है। इस समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं या किसी विवाद में पड़कर आप अपने धन को व्यर्थ में गंवा सकते हैं। इस समय में किसी से भी विवाद करने से बचें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी मामला है तो उसमें आपको अच्छे से इस समय में अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ना होगा। आपके कार्यस्थल की जो परिस्थितियां हैं वो भी आपके अनुकूल नहीं रहने वाली, तो जो लोग आपके कार्यस्थल पर काम करते हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई शत्रु आपको इस समय में परेशान कर सकता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको रहने वाली हैं। साथ ही साथ इस समय में आप कोई भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे, आप अपना रूटीन ठीक प्रकार से नहीं रख पाएंगे, जिससे आपके हर कार्य में बाधा आएगी, कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। चंद्रमा यहाँ से देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से ये समय में आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं। विदेश से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं आपके लिए रहने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहने वाली हैं। अगर आप किसी को इस समय में ऋण देते हैं या आप ऋण लेते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या रह सकती है, आपका धन कहीं पर व्यर्थ में जा सकता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। उसके बाद की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की, ये मिथुन राशि में रहेगी 25 और 26 जनवरी को। तो 25 और 26 का समय आपके लिए व्यापार के लिए उत्तम रहेगा। कोई नई साझेदारी आप कर सकते हैं, किसी के साथ अगर साझेदारी करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा और उनकी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। साथ ही आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपकी तारतम्यता बढ़ेगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही थी वैवाहिक जीवन में तो वो दूर होगी। इस समय में आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ थोड़ा सा भावनात्मक रूप से
ज़्यादा वो व्यवहार कर सकता है, यानी भावनात्मक पक्ष उनका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा इस समय में आपके साथ बिहेव करते हुए, तो ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ आप भी बहुत ज़्यादा भावुक रहने वाले हैं अपने पार्टनर को लेके। साथ ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय काफ़ी अच्छा है, आपका साथ देगा समय इस समय में। तो यहाँ से जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है आपके सप्तम भाव में, ये चंद्रमा आपके राशि स्थान को देख रहे हैं, राशि स्थान को देखने से ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के ही जो कल्पना शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे। कल्पना शक्ति में वृद्धि करने से आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, उनमें से कुछ ख्याल अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ ख्याल जो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। माइंड में बहुत सारा जब तूफान आता है विचारों का, तो हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, हम एक कार्य पर फोकस नहीं रख पाते। तो चंद्रमा का आपके राशि स्थान को देखना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति है, आपका जो लाइफ पार्टनर है और आप दोनों के लिए ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय ये रहने वाला है। इसके अलावा आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप कोई पब्लिक सर्विस में हैं, यानी आप जनता की सेवा कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, और लोगों को आप अपने आप से जोड़ना चाहते हैं या लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट आप पाना चाहते हैं, तो ये सब भी आप इस समय में कर पाएंगे। इसके बाद 27, 28 और 29 जनवरी को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर आपके लिए पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाने के बाद आपके ऊपर कहीं काम का बोझ बढ़ सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं या किसी और के द्वारा आपके ऊपर डाली जा सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपको एक्सीडेंट का चांस भी बनता है, ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है और ससुराल पक्ष से आपको अच्छी मदद मिल सकती है, और अन्य मामलों में भी इस समय में आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि अचानक कहीं से आपको धन की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा सकती है। तो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा तो आपको मिल जाएगा, आप बचत भी कर पाएंगे, फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा, साथ ही साथ कोई ऐसी घटना आपके लिए हो सकती है जो आपकी लाइफ को आने वाले समय के लिए बदल दे। साथ ही जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको इस समय में काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। चंद्रमा जो कि सेकेंड हाउस को यहाँ से देख रहे हैं, इनकी दृष्टि सेकेंड हाउस पर पड़ने से आपकी वाणी में काफ़ी ज़्यादा मधुरता रहेगी और किसी से भी आप अपना कोई काम निकलवा सकते हैं। फैमिली के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे रखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही अपने खान पान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, आप में अगर कोई कलात्मक शक्ति है या कोई ऐसा वाणी के माध्यम से आप काम करना चाहें, कुछ स्पेशल क्रिएटिव काम करना चाहें, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी, 23 और 31 जनवरी को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर सिंह राशि में पहुंचेंगे, जहां पर ये आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। नवम भाव में इनका गोचर आपको हायर एजुकेशन में अच्छी सक्सेस दिलाएगा। अगर कहीं पर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका एडमिशन इस समय में हो सकता है, एग्ज़ाम में सफलता आपको मिल सकती है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी है तो अच्छा हो सकता है एग्ज़ाम। साथ ही साथ ये समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है एजुकेशन को लेके, इवन आपको फॉरेन ट्रेवल तक करनी पड़ सकती है। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ कुछ धार्मिक लोगों से आप मिलेंगे, आप अपने गुरु से अच्छा सहयोग इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा जो आपको इस समय में माननी होगी वो आज्ञा आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही आप बड़े बुजुर्ग लोगों से अच्छी सलाह लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो थर्ड हाउस को देखने से आपको छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, साथ ही आपके भाई बहनों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, पड़ोसियों से आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं तो थोड़ी सी भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। तो ये समय में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ मिल जाने से आपका प्रत्येक कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा वीक धनु वालों के लिए कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको विशेष रूप से 23 और 24 जनवरी को थोड़ा ध्यान अवश्य रखना होगा अपने आप का। आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें कोई विशेष समस्या आपको नहीं रहने वाली। तो इस वीक में धनु वालों के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा हरा रंग, और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।